रहा संजू भाई, रिलेशनशिप तो बहुत देखे लेकिन अनिकेत जैसा ना देखा। क्यों बे, मेरे रिलेशनशिप में क्या दिक्कत है? अबे तेरे रिलेशनशिप में दिक्कत के अलावा और है क्या? अरे प्यार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मुझे पता है इसने होटो की तो छोड़ कभी हाथ में भी पप्पी नहीं ली। और मुझसे कहता कि 2 साल का रिलेशनशिप है। हरामियो, हमेशा शराब पी के इसी बारे में बात करते हो, मुझे नीचे दिखाते हो। देखना हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी दिन आएगा। पर हम तो शेर है। वो भी बब्बर शेर। और हम शेरों में ये कुत्ता कहाँ से फंस गया? अबे उसे कहीं घुमाने ले जा। पप्पी कर, चप्पी कर, किस कर, थोड़ा सा मिस कर। लेकिन कहाँ लेके जाऊं? वही जहां हम अपनी बंदियों को लेकर जाते हैं। कहाँ? ओ यो, नहीं 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 यार, उसे वहां जाने के लिए बोलूंगा ना वो गुस्सा हो जाएगी और यार ब्रेकअप हो जाएगा। इसी डर के चक्कर में तो 2 साल से अभी तक किस भी नहीं कर पाया मैं उसे। भाई डर के आगे जीत है और यही दुनिया की रीत है। हाँ भाई, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो राहुल के साथ हुआ था। राहुल? राहुल के साथ क्या हुआ था? बता भाई क्या हुआ था राहुल के साथ? 4.5 पैक में सेट हो गया। पर ये तो 5वां है। साढ़े चल मैं बताता हूँ। उसने अपनी बंदी को छुआ तक नहीं था। तेरी तरह। मेरी तरह? हाँ, उसने अपनी बंदी की पप्पी तक नहीं ली थी। तेरी तरह। मेरी तरह? हाँ, उसकी बंदी को लगता था कि उसका बंदा डरपोक है। तेरी तरह। मेरी तरह? हाँ, और एक दिन फिर वो उसको ऐसे छोड़ के चली गई। और ऐसे ही तेरी बंदी भी तुझे छोड़ के चली जाएगी एक दिन। क्या, रिंकी मुझे छोड़ के चली जाएगी? हाँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। अब मैं कल सीधा कॉलेज जाऊंगा और रिंकी से बोल दूंगा। हाँ। कि रिंकी मुझे पप्पी चाहिए। हाँ। रिंकी मुझे झप्पी चाहिए। हाँ। रिंकी मुझे किस चाहिए। हाँ। अब देखो तुम्हारा एक कुत्ता कैसे शेर बन के दिखाता है। हाँ। हाँ। अबे तू और इतनी सुबह सुबह कॉलेज जा रहा है क्या? हाँ और क्या, और तुम दोनों आज कॉलेज जा रहे हो या आज भी कोई बहाना है? अबे नहीं यार, नाना करते भी ना आज फिर से प्लान बन ही गया। वो क्या है ना, तेरी भाभी थोड़ी मोटी है। सही है भाई सही है, वैसे जिंदगी की मजे तो तुम दोनों ही ले रहे हो। अबे तेरी तरह थोड़ी ना है, हर चीज को टाइम देना पड़ता है और ये बाल खड़े करने से कुछ नहीं होता। ठीक है ठीक है। पर बालों से याद आया, मेरे बालों में बहुत डैंड्रफ हो रहा है और बहुत गिर भी रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ टाइम में मैं टकला हो जाऊंगा। तो भाई कुछ करना इनका। भाई बनिए की दुकान से लेकर हर शैम्पू ट्राई कर चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है उनसे। तो भाई बनिए की दुकान छोड़ और यूज कर मुस्टैक का हेयर ग्रोथ कॉम्बो। हेयर ग्रोथ कॉम्बो, ये क्या है भाई? भाई ये मुस्टैक का बालों को बढ़ाने वाला कॉम्बो है जो कि तेरे डैंड्रफ को भी रोकेगा और तेरे बालों को बढ़ाएगा भी। और इस कॉम्बो में आता है मुस्टैक का हर्बल शैम्पू, और ये कोई नॉर्मल शैम्पू नहीं है, एकदम नेचुरल शैम्पू है जो कि तेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगा और हेयर फॉल को भी रोकेगा। और इसको नहाने के बाद यूज करियो। ये है मुस्टैक की कोको एलो हेयर ग्रोथ क्रीम, इससे तेरे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और तेरे बाल सेट और स्टाइलिश रहेंगे मेरी तरह। अरे वाह यार निकेत, ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है और तेरे बाल तो यार बहुत मस्त हैं। प्लीज यार ये प्रोडक्ट मुझे दे दे। अरे भाई तुझे ये दोनों प्रोडक्ट चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं घर बैठे बैठे। अच्छा तो यार मैं इसे ऑनलाइन मंगवाऊं कैसे? रुक मैं तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी ऑर्डर कर सकता है। और फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पे अवेलेबल है। और ऑनलाइन जाके बस ऐसे बाय पे क्लिक कर और अपना एड्रेस फिल कर और 2 दिन में प्रोडक्ट तेरे घर पे डिलीवर हो जाएंगे। तो गाइज ये प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी जरूर ट्राई करें, आपके बालों में भी शानदार फर्क जरूर दिखाई देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा मैं अभी ऑर्डर करता हूँ यार, और थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा सुन, तुझे पता है ना आज कॉलेज में जाके तुझे क्या करना है? पप्पी झप्पी सब करना है, शेर बनना है तुझे, शेर। हाँ भाई पता है, चल चलता हूँ। आज तो कुछ भी हो जाए रिंकी को किस करके ही रहूंगा।
अब ठीक है। कहाँ रह गई रिंकी? क्या हुआ, ऐसे अचानक कॉलेज के बाहर क्यों बुलाया मुझे? मैं अपना लेक्चर छोड़ के आई हूँ एक। अरे यार अचानक से नहीं, प्लान तो मैंने बहुत पहले ही बना लिया था, बस तुम्हें बताना याद नहीं रहा। अच्छा जी, अच्छा मजाक था, अब बताओ क्यों बुलाया है? यार रिंकी, मैं ना तुमको बहुत मिस कर रहा था। क्या इरादा है आज? इरादा तो मुझे नहीं पता क्या है, बस तुम्हारे साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन ये कॉलेज और लेक्चर के चक्कर में मौका ही नहीं मिल पाता यार। यार साथ में टाइम स्पेंड करते तो हैं, साथ में कैंटीन जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और घर भी तो साथ में ही जाते हैं, इसको साथ में टाइम स्पेंड करना नहीं बोलते क्या? यार रिंकी मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा, वो तो हम कर ही रहे हैं, मैं क्वालिटी टाइम की बात कर रहा हूँ यार। मतलब प्राइवेसी नाम की भी तो कुछ चीज होती है ना, मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ तुम और मैं और कोई भी ना हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं किस करना चाहता हूँ यार, अभी इसी वक्त। क्या, ये सब तो शादी के बाद होता है, और अगर किसी ने देख लिया ना पूरे कॉलेज में बदनामी हो जाएगी। यार रिंकी वैसे भी तो बदनामी हो ही रही है ना, पूरा कॉलेज मजाक उड़ाता है इस बात का कि मैं 2 साल से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अभी तक मैंने हाथ तक भी किस नहीं की। और यार ऐसे बदनाम होने से तो अच्छा है हम ये सब करके बदनाम हो जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है। अरे अरे रुको, ऐसे खुले में थोड़ी ना करेंगे, एक काम करते हैं तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो। ठीक है अब गाड़ी के अंदर आ गए, अब करें। हाँ बेबी, आपकी गाड़ी के शीशे तो ब्लैक नहीं है, कोई हमें देख लेगा, मैं नहीं कर सकती अंदर। अरे यार कोई भी नहीं देख रहा, गाड़ी के अंदर कौन देख रहा है? मेरे साथ करनी है ना, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और ये सीट कितनी अनकंफर्टेबल है, मैं नहीं करना चाहती अंदर। अच्छा ठीक है तुम गुस्सा मत हो, मेरे पास ना इससे भी अच्छी जगह है, आओ। बेबी तुमने इतनी अच्छी जगह कहाँ से ढूंढ ली? है ना अच्छी, और ये तो हमारी कार की डिग्गी से काफी बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ कोई आ गया तो? अरे ये चील कबूतरों की जगह है, थंडरों में कोई नहीं आता। तो अब करे। हाँ। रुको मैं करता हूँ, तुम अपने हाथ नीचे रखो। वाह वाह क्या प्यार है बेबी, अब ये कौन है? पता नहीं, देखने में चील कबूतर तो लग नहीं रहा, आदमी लग रहा है। ओए कौन है तू? कबीर हूं मैं, कबीर। मैं भी प्रीति को ऐसे ही प्यार करता था। अबे ओ शांत, हम तेरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, जा यहां से। कैसे भी सुननी है? सुननी पड़ेगी, मैं भी बिल्कुल तेरी तरह अपनी प्रीति को उसके घर से भगा के लाया था यहाँ पे, सोचा था यहाँ के प्यार करूंगा, लेकिन वो ब्रह्मा को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अब भगवान को कौन रोक सकता है? अरे नाना वो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो इस बिल्डिंग का मिस्त्री, साले ने इतनी कच्ची सीमेंट के साथ ये बिल्डिंग बनाई। जब मैं प्रीति को किस करने उसके पास आया तो ये पीछे दीवार है ना, वो गिर गई और मेरी प्रीति उस दीवार में दबके मर गई। तब से मैं भटक रहा हूँ रोते हुए यार। अरे रे बहुत बुरा हुआ इस बेचारे के साथ, है ना रिंकी? रिंकी रिंकी प्रीति 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 कहाँ चली गई तुम? मुझे भी इतने साथ ले जाती। यार बेबी सॉरी ना, मुझे थोड़ी ना पता था यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। यार हम इतनी घटिया घटिया जगहों पे घूम रहे हैं, इससे अच्छा तो हम किसी होटल में चले जाते। क्या होटल में? हाँ मतलब हम दोनों होटल में जा सकते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और अनिकेत तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? हाँ यार तुम सही बोल रही हो, मैंने क्यों नहीं सोचा, हम दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, होटल में जा ही सकते हैं। चलो 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 चलो। यार बेबी हम यहाँ होटल में आ तो गए, लेकिन यहाँ करेंगे कैसे? मुझे नहीं पता था तुम इतने बेवकूफ हो।
बेवकूफ, लेकिन तुम्हें तो कहा था होटल चलते हैं। हाँ तो वो होटल कहा था जहाँ सोते हैं, वो नहीं जहाँ खाते हैं। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बेबी, मुझे लगा यहाँ पर आना था, तभी तो मैं सोचूं यार होटल में कैसे करेंगे, बेंच के नीचे करेंगे क्या? Shut up, I'm leaving. अरे यार बेबी सॉरी ना, रुको मैं अभी होटल बुक करता हूँ। अब तुम्हें होटल वोटल में कोई रूम बुक करने की जरूरत नहीं है, तुम चूतिया हो ना, तुम चूतिया ही रहोगे, मैं तो जा रही हूँ। अबे अनिकेत साड़े, तू गवार ही है। अबे जब वो होटल में जाने के लिए रेडी हो गई थी तो उसे पप्पू के होटल में क्यों ले गया? मैं होटल वोटल छोड़, तू उसे अपने फ्लैट में क्यों नहीं लाया? अपना फ्लैट के होटल से कम है क्या? अबे हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई, लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा, रिंकी तो मुझसे नाराज हो गई ना। चल छोड़ फिर, दारू पीते। हट यार, मेरा उससे ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ है, दारू पीते। कोई ढंग की सलाह दे सकते हो तो दो, ये फालतू बातें करके ना मेरा दिमाग खराब मत करो। चल ठीक है भाई, तो इन फालतू बातों से अपना दिमाग खराब मत कर, अपने पास रिंकी नहीं अपने पास बिजली तो है। हैं? मतलब अब तू मुझे बिजली के झटके देगा? रहने दे भाई तू तो। अब मैं उस बिजली की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बिजली की बात कर रहा हूँ जो लटके झटके दोनों मारती है। क्यों, तू दलाल है क्या? देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो, मैं जा रहा हूँ। चल भाई, तूने इसकी बिजली के साथ बुकिंग फिक्स कर दे, फिर हमें भी तो निकलना है, हमारी बंदियां भी तो हमारा इंतजार कर रही है। अबे हाँ, तू पार्किंग से गाड़ी निकाल, मैं इसकी बुकिंग फिक्स करके आया। ओके भाई। क्या हाल है चिकने? मैं तो एकदम मस्त। अच्छा सुन, एक दोस्त के पास जाना है तुझे, तो बोलना कब निकलना है। अरे कल चली जा, और सुन वो रोल प्ले करना पड़ेगा तुझे, गर्लफ्रेंड वाला। यही तो मेरी स्पेशलिटी है, लास्ट टाइम तेरी काम वाली का रोल सही किया था ना मैंने। अरे हाँ हाँ पता है मुझे, तभी तो तुझे कॉल किया। और बता क्या कर रही है? अबे चल ज्यादा फ्रैंक मत हो, एड्रेस भेज दे, मुझे अभी काम पे निकलना। हल भाई एक ही हो गया, और एक जूस भी फुल पार। अबे संजय यार, मेरी वाली को ना चॉकलेट बहुत पसंद है, तू एक काम कर, एक लंबी वाली चॉकलेट ले ले। चल वे लेता हूँ। अबे लंबे से याद आया, अनिकेत को फोन करके पूछ ले कैसा है, कहीं फ्लैट पे अकेला रिंकी की आदमी मर भर गया ना हो। अबे हाँ यार, मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ। हेलो, और भाई कैसा है? अबे यार इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है भाई? अरे भाई 12 बज रहे हैं, और तू ये बता कि रिंकी से बात हुई है? नहीं यार, उससे बात नहीं हुई मेरी अभी तक। चल कोई ना, तू रात का इंतजार कर, मैंने सरप्राइज रखा है तेरे लिए। अबे यार पका मत, सोने दे। अबे क्या है पागल है क्या, मर क्यों नहीं जाता, एक बात समझ में नहीं आती क्या? क्या बोल रहे हो निकेत? अरे बेबी सॉरी सॉरी, वो मेरे दोस्त की कॉल आ रही थी, बार बार परेशान कर रहा था मुझे, सॉरी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो? कहाँ आऊंगा, कल से जब तुम मुझे छोड़कर गई हो तब से खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। और रियली बेबी, इसलिए मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे फ्लैट पे। क्या क्या हुआ, इतने शॉक क्यों हो गए? अरे शौक नहीं, मैं तो खुश हो गया, मुझे तो इस पल का कब से इंतजार था। एक काम करो तुम जल्दी आ जाओ। हाँ बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ मैं। ठीक है आ जाओ। रिंकी मिलने आ रही है फ्लैट पे। एक काम करता हूँ जल्दी से सारा फ्लैट साफ कर देता हूँ और खुद भी रेडी हो जाता हूँ। पूरा फ्लैट भी साफ कर दिया और भाई भी रेडी हो गया। दोस्त नहीं है आज घर पे, मेरे कमरे में घुस के सब कुछ करेंगे, तू मिल जा रहा। लगता है आ गई।
अरे यार बेबी, कल आधा रोमांस तो जगह ढूंढने में ही निकल गया था। और तुम्हारे दोस्त का है? वो तो कल ही चले गए थे। तुम बताओ यहाँ अचानक फ्लैट पे कैसे? अरे मेरे मॉम डैड तो घर पे थे नहीं, और तुम भी कल की बात को लेकर शायद मुझसे गुस्सा थे, तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, तो आ गई मैं तुम्हारे फ्लैट पे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर है, लेकिन आने से एक घंटा पहले बता दिया करो ना। क्यों, अकेले में नशे करते हो क्या तुम? अरे मैं नशे क्यों करूंगा, बस तुम्हारे लिए थोड़ी तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाता ना। अच्छा चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, सारा रोमांस बाहर ही करोगे क्या? अरे नहीं अंदर आओ, आज तो मैंने घर साफ किया है, चलो। बेबी तुमने अपने खाने पीने के लिए कोई काम वाली रखी हुई है क्या? नहीं हम तो बाहर से ही खाते हैं, और वैसे दो मिनट में मैगी है ही, लेकिन तुम ये सब पूछने आई हो क्या? छोड़ो ना ये सब। एक्चुअली यार तुमसे मिलने की खुशी में मैं सुबह ब्रेकफास्ट करना ही भूल गई, और ब्रेकफास्ट करती भी कैसे, घर में मम्मी पापा तो थे नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ ऑर्डर कर ले। अच्छा ठीक है कर लेते हैं, एनर्जी भी तो जरूरी है, अभी करता हूँ। बर्गर कर दूं? हाँ कर दो। बस एक मिनट, ये लो हो गया ऑर्डर, तब तक मैं कुछ मुंह मीठा कर लेता हूँ। अरे ये स्विगी वाला घर के बाहर ही बैठा था क्या, इतनी जल्दी कैसे आ गया? जाओ बेबी तुम ऑर्डर लेकर आओ, भूख लगी है। लाता हूँ। हाँ भाई कितना हुआ? भाई नहीं माँ हूँ तेरी। ये मम्मी की याद क्यों आ रही है? मम्मी आप यहाँ अचानक से एकदम? अरे तू पागल चीख क्यों रहा है, भूत थोड़ी हूँ, माँ हूँ भाई तेरी। अरे मम्मी तो कॉल करके आना चाहिए था ना, ऐसे बिना बताए क्यों आ गए? अरे 8 बजे से तुझे फोन कर रही हूँ नलायक, मुझे पता है तू 12 बजे उठता है, अब हट सामने से। अरे यार मम्मी कहाँ से आ गए? अरे वाह बेबी, ये स्विगी वाले ने आंटी को खाना डिलीवरी के लिए रख लिया क्या? ओ हेलो, मैं कोई डिलीवरी वाली नहीं हूँ, माँ हूँ इसकी। अनिकेत तुमने अपनी मम्मी को स्विगी में लगवा दिया क्या? क्या बोली जा रही हो तुम? अच्छा अरे नहीं मम्मी, वो तो ये काम वाली है। हाँ आंटी मैं तो काम ढूंढ रही थी। अब चुप बंद करो अपनी फालतू की बकवास, एक बात बता कौन सी काम वाली है जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है, वो कौन सा गाना है वो? हाँ कच्चा बादाम आह कच्चा बादाम, कच्चा बादाम आह कच्चा बादाम, है बता। अब चुप क्यों हो, कब से चल रहा है ये सब? यार मम्मी मैं आपको बताने ही वाला था। हाँ आंटी हम इसलिए तो मिले थे जिससे आपको बता दें, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताएं। अरे मुझे ही बताओगे और कैसे बताओगे, मेरी ईमेल आईडी थोड़ी है तुम्हारे पास तो तुम मुझे मेल कर दोगी? और अनिकेत तू तो रुक, तेरे तो मैं पापा को बताऊंगी। अरे नहीं मम्मी, अरे मम्मी सॉरी ना प्लीज, पापा को मत बताना, मैं आपको बताने वाला था कि हम दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। और तू मुझे अब बता रहा है? नहीं नहीं आंटी अनिकेत की गलती नहीं है, वो तो मैं ही नहीं बताना चाहती थी। हाँ मम्मी सॉरी, लेकिन जैसा आप बोलोगे वैसे करूंगा, अगर आप बोलोगे ना उसको छोड़ दे तो उसको मैं अभी क्या भी छोड़ दूंगा, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हाँ आंटी अनिकेत के लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ मम्मी ठीक है समझ गई मैं। ओके अनिकेत हाँ ठीक है तुम जाओ। अरे बेटा। हाँ आंटी। अब आंटी के पास 2-4 मिनट बैठोगे कि नहीं? मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि अनिकेत तुम्हारे लायक है कि नहीं। मतलब मम्मी आपको रिंकी पसंद है? अरे भाई जब तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल ही रहा है तो सब कुछ ठीक ही होगा ना, वरना आजकल के रिलेशन 2 महीने से ज्यादा टिकते ही कहाँ हैं। आ जा बेटा गेट खोल के आती हूँ। ठीक है। थैंक गॉड मम्मी आप मान गए, मैं तो खामा खा डर रहा था, मुझे लगा आप पापा को बता दोगे। What a hottie. I'm feeling naughty.
मजे करेंगे क्या? मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही करूंगी। अरे तुम कौन हो? अनिकेत, मैं रिंकी। भूल गए क्या? अरे मैं तुमसे मिला ही कब, जो भूल जाऊंगा। अरे हम मिले तो थे एक साल पहले, तुमने मेरे साथ गाने भी गाए थे। अच्छा जी, गाने गाए जा रहे हैं तुम दोनों के? अरे मैंने कोई गाना वाना नहीं गाया, और मेरी आवाज सुन के तो पड़ोसियों का कुत्ता मर गया था। मम्मी से पूछ लो, ये बकवास कर रही है कुछ भी। मैं बकवास नहीं कर रही, तुम छुप छुप के नहीं मिलते थे मुझसे? अरे क्या बोल रही हो, हम कब मिले छुप छुप के? अरे कभी कार पार्किंग में, कभी पार्क में, कभी होटल में, और कभी खंडरों में। हर जगह हमारे प्यार की निशानियां हैं। तू इतना कब से नीच हो गया? अरे मम्मी मैंने तुझे सपने में भी नहीं देखा, ये कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा ये मतलब ऐसी बोल रही है? हाँ यार। और वो तितली? तितली? देखा तुम मुझे प्यार से तितली बुलाते थे, अब इन सब के सामने नाटक मत करो। अरे यार सॉरी, तुम्हारा जो भी नाम है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम्हारे पास कोई हमारे सबूत है? हाँ बताओ, है सबूत? झूठी कहीं की, झूठ बोल रही है ये। सबूत थे पर तुमने सब मिटा दिया। हमारी फोटोज, हमारी वीडियोस, मेरे पास सब थी। देखा देखा ये झूठ बोल रही है। और ओ सच सच बता, तुझे किसने भेजा यहाँ पे? तुमने ही तो बुलाया था मुझे रोल प्ले करने के लिए। रोल प्ले? अरे यार मैं क्यों रोल प्ले करूंगा, मुझसे अपना ही प्ले नहीं संभाला जा रहा। अच्छा तुमने ही तो कॉल किया था कल अपने दोस्त के फोन से। दोस्तों से भी लड़कियों को बुलवाता है तो फिर तो तूने रिंकी को भी ऐसे ही बुलाया होगा। रिंकी? अच्छा तो ये है रियल रिंकी। जल्दी बताओ मुझे करना क्या है, फिर मुझे जाना भी है। किस्मत ही खराब है, सॉरी सबको मेरी तरफ से। अबे ये तो भाग गया, अब मेरी पेमेंट कौन करेगा? रुक जा, तेरी पेमेंट मैं करती हूँ, चल तू। ये मेरी औलाद है, मैं तुझे कितना गरीब समझती थी, और ये दो लड़की लेके घूम रहा है। जैसा बाप वैसी वाला। तो हे गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और रिलेटेबल लगा। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी कर लो ऑन, ताकि हर हफ्ते मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, फाइनली हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, तो उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। और गाइस अपने बालों की केयर करें मेरी तरह, और यूज करें मुस्टैक का हेयर ग्रोथ कॉम्बो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इजीली आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है, तो मैं बस यही कहूंगा आप जरूर ट्राई करें इन्हें। तो अपना प्यार बनाए रखें, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाय, लव यू ऑल।